नमस्कार साथियों, चलिए लिए चलते हैं आज आपको एक और नए वीडियो में। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माता नैना देवी के, जो कि नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के ताल ही के पास माता नैना देवी का मंदिर है, जो कि 52 सिद्धि पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर को माता सती की आंखें गिरी थी, तो इसीलिए इसे नैना देवी मंदिर कहा जाता है। और अभी यहाँ पर को मेले का आयोजन किया गया है। आजकल यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और वैसे तो नैनीताल में हर वक्त ही सीज़न रहता है। तो आपको आज माता नैना देवी के मंदिर के हम साक्षात दर्शन करवाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर झूला लगा हुआ है और काफ़ी लोग मेले में आए हुए हैं। आपने नैनीताल के बारे में तो बहुत सुना होगा, और हो सकता है आपने टीवी पर नैनीताल को देखा भी होगा। अगर कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार नैनीताल ज़रूर जाएं, जो कि अपने आप में बहुत ही एक मशहूर ताल है। यहाँ पे काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग भी होती है। और हल्द्वानी से आगे नैनीताल कुछ किलोमीटर पे पड़ता है, 1 घंटे का रास्ता है। ये मैं आपको नैना देवी माता के दर्शन करा रहा हूँ अंदर मंदिर के। ये आप देख सकते हैं मंदिर में, यहाँ पर कोई ये नैना माता का मंदिर है। लोग बड़ी आस्था लेकर के यहाँ पर को आते हैं, और आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी भीड़ यहाँ पर को लगी है। और ये माता नैना देवी की तस्वीर आप देख रहे थे अभी, और ये मंदिर का नज़ारा है यहाँ पर को, जहाँ पर कि भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है, और पैर रखने को भी यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं लोगों की आस्थाएं हैं, क्योंकि एक सिद्धि पीठ है, और यहाँ से नैनीताल का नज़ारा भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये नैनीताल में ही है, बिल्कुल ताल के जस्ट किनारे पर ही है। तो ऐसा मंदिर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नैनीताल का भी पूरा आप व्यू यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि नैनीताल के ही बगल में है। इसको मल्ली ताल के पास में बोला जाता है। नैनीताल के नीचे के छोर को तल्ली ताल और ऊपर के छोर को मल्ली ताल कहते हैं। तो नीचे से ऊपर दूसरे कोने तक जाने में लगभग 1-2 किलोमीटर का ये ताल है। ये देखिए, नैनीताल के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। यह है नैनीताल, जो कि मंदिर के ही बगल में है, और यह है मंदिर। यहाँ से आप पूरे नैनीताल को देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये ताल है, और किस तरह से यहाँ पर को पूजा पाठ की जाती है। ये शिव मंदिर यहाँ पर को, अन्य भी मंदिर यहाँ पर को काफ़ी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जल चढ़ा रहे हैं, और यहाँ से आप देखें तो बिल्कुल ताल स्टार्ट हो जाता है। ये आपको ताल का दूसरा नज़ारा, और यहाँ पर से फिर आप पूरे ताल को देख सकते हैं। इसमें नाव का आनंद ले सकते हैं, यहाँ बैठ करके आप काफ़ी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ का वातावरण रहता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अगर आप गर्मी के मौसम में भी जाएं तो यहाँ पे आपको बनियान की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं सभी लोग लगभग बनियान में हैं यहाँ पर को। ये अभी सितंबर 20, 2023 के आसपास का वीडियो है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर को कितनी ज़्यादा ठंड सी पड़ रही है। और ये इसके ऊंचाई से बनाया गया ये वीडियो, आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर और अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से ऊंचाई से। ये ट्रॉली है, ट्रॉली में बैठ करके आप ऊपर झूले का और ट्रॉली का आनंद ले सकते हैं। ये माता नैना देवी, जो कि साक्षात माता का दर्शन है। और
एक बार फिर आपको माता के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये है माता नैना सुनैना। ये माता नंदा देवी के नाम से यहाँ पर विख्यात हैं और इनका मेला भी लगता है, तो आप साक्षात माता के दर्शन कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ जाने का अवसर मिले या ना मिले, तो हम नैनीताल को ही आपके पास लेकर के आए हैं वीडियो द्वारा। आप वीडियो में नैनीताल के माता नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक सिद्धिपीठ है और हर किसी को यहाँ जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई कहाँ का रहने वाला है, कोई कहाँ का। तो वीडियो के द्वारा आप देख